स्वागत। प्राचीन काल से प्रकृति को मां मानकर पूजने की हमारी परंपरा रही है। पर्यावरण मूलक हमारी संस्कृति हमारी जीवन पद्धति का अंग रही है। वर्तमान समय में हमने आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ में प्रकृति के उपयोग के स्थान पर उपभोग प्रारंभ कर दिया है। प्रकृति के निरंतर दोहन के दुष्परिणाम संपूर्ण विश्व में विभिन्न रूपों में हमारे सामने आ रहे हैं। वर्तमान की इन विकट परिस्थितियों में हम सभी का दायित्व बन जाता है कि प्रकृति रक्षण हेतु हम सजग होकर इसके संरक्षण का कार्य करें। इसी कड़ी में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण की उपादेयता विषय पर आज यह वेबिनार आयोजित की गई है। आप अपनी इस वेबिनार में जिन महानुभावों का हमें आज मार्गदर्शन मिलने वाला है, मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारे मध्य उपस्थित है आदरणीय गोपाल जी आर्य। आपने जोधपुर से बीटेक करने के पश्चात आप सन 1980 से संघ के प्रचारक के नाते अपने जीवन को मां भारती के चरणों में आहुत कर रखा है। आरंभ में आप जयपुर प्रांत प्रचारक रहे, इसके पश्चात आपने विद्यार्थी परिषद में सक्रिय योगदान दिया। आपके पास दिल्ली केंद्रीय कार्यालय का भी दायित्व रहा है। वर्तमान में आप पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा परिचय मैं कराना चाहूंगा जोधपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक आदरणीय योगेंद्र जी। आपको नमस्कार जी। नमस्कार। आप बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे हैं तथा आरती की सेवा हेतु 1997 में संघ के आप प्रचारक बने। बाड़मेर गंगानगर में आप विभाग प्रचारक रहे तथा जयपुर प्रांत में भी विभाग प्रचारक, ऐसे अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में जोधपुर प्रांत प्रचारक के नाते हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण परिचय मैं कराने जा रहा हूं आदरणीय प्रोफेसर नरपत सिंह जी शेखावत का। आप रिटायर्ड जोधपुर विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। आपका बॉटनी विषय रहा है। आप 2013 में अपने सेवानिवृत्ति ली। इससे पूर्व आपने विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी की लैब का एक महत्वपूर्ण निर्माण ऐसा किया। साथ ही नेशनल एंड एक्रेडिट बेंगलोर के आप सदस्य हैं। आईआईटी जोधपुर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के भी आप सदस्य हैं। आप कई देशों में वैज्ञानिक के नाते आपका जाना। यूएसए के येल यूनिवर्सिटी में 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी है। इसके अतिरिक्त भी विदेशों में आपने आपका वैज्ञानिक के नाते और इस अपने विषय के नाते आपका योगदान रहा है। मैं आदरणीय नरपत सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा कि आप अपने हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय नरपत सिंह जी शेखावत। अरे बोलना नहीं है, वहां से सुनाई नहीं दे रहा ना। हाँ भाई साहब फरमाए आप।
दिख तो रहे हैं पर आवाज आ रही है अपनी, आ रही है? हाँ आ रही है साहब, आपकी आवाज खूब आ रही है भाई साहब। श्रीमान गोपाल जी आ रही है साहब, भाई साहब योगेंद्र कुमार जी, श्याम मनोहर जी, कृष्ण गोपाल जी, शिव कुमार जी, हम आज का जो विषय है उस पर हम बोलूं मैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि धरती माता पर चार तरह के प्रेशर्स हैं, जिसको क्वाड्रुपल स्क्वीज कह रहे हैं लोग बाग। ये प्रेशर्स इतने जोरदार हैं कि धरती की एग्जिस्टेंस को खतरा है। सबसे पहला प्रेशर तो है पॉपुलेशन। अभी आज की तारीख में 7.9 अरब पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जो बढ़ रही है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आज की तारीख में 419 ppm है, जो डेंजरस लेवल की तरफ जा रही है। तीसरा ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन के वजह से हमारे इकोलॉजिकल सर्विसेज जो है, नेचर जो हमको सेवाएं प्रदान करती है मुफ्त में, वो करीब 60% बची है, 40% और आज तक अपन उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, खा चुके हैं। एक और सिचुएशन है कि इन तीनों की वजह से पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पोल्यूशन, इन सब की वजह से कोई भी खतरनाक इवेंट कभी भी हो सकती है, जिसको टिपिंग पॉइंट कहते हैं। और हर साल हर महीने अपन देखते हैं, कभी हिमालय में बाढ़ आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये चारों चीजें धरती माँ को प्रेशराइज की हुई हैं और इस सिचुएशन में हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सिचुएशन है वो है, वर्ल्ड में करीब 3 trillion ट्रीज हैं और आम आदमी के नाम से वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन को देखें तो 422 ट्रीज पर पर्सन आता है। एक आदमी के नाम से 422 ट्रीज है। लेकिन आपको अजीब सा लगेगा कि हमारे देश में ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और ट्रीज हम इतने काट गए हैं कि उसकी एवरेज सिर्फ 26 आ रही है। हमारे से 4 गुना चाइना की है और सारे देश है जो 1000 से ऊपर है पर पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? हमको ये देखना है कि हमारी पॉपुलेशन, पोल्यूशन, पावर्टी और टेंडेंसी है धन कमाने की लालच जो है और वार की तरफ टेम्पटेशन सारी दुनिया का हो रहा है, इससे बचाने के लिए हमको कुछ कोशिश करनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले अपनी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। मैं अभी 4-5 जिले जो है, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जिसमें बाड़मेर गया विद्या भारती की हेल्प से, तो मैंने देखा कि हमारे जो नेचुरल ट्रीज और वनस्पति है उसको जबरदस्त नुकसान हो रखा है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि हमें जब बच्चे थे तो गांव में, मैं सीकर जिले में पैदा हुआ था, तो फोग के प्लांट लाखों करोड़ों थे और बरसात के बाद में, बरसात से पहले खेतों को साफ करने के लिए खेत के ट्रीज को काटते थे, पूरे नहीं हटाते थे। आज की तारीख में सीकर जिले में, झुंझुनू में, जयपुर में, जयपुर में ये फोग के प्लांट पूरे गायब हो गए हैं। अभी मैं गया तो बाढ़ में जैसलमेर में कुछ स्थानों पर मिले और ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू कुश में हिंदुओं को खत्म कर दिया था, इसी तरह से राजस्थान में फोग कुश हो रहा है। और ये इतना मुश्किल काम है कि मेरे ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या किसी को भी इसकी चिंता नहीं है कि इसको कैसे संघर्ष किया जाए। तो मैंने कोशिश ये की कि इसको वापस लगाना चाहिए हमको। तो मेरे को पता चला कि नोखा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ नर्सरी बनाई है जिसमें इसकी कटिंग लगाई जा रही है। तो मेरा एक तो आप सबसे निवेदन है, जो भी जहाँ भी है, कि इसकी कटिंग लगती है तो इस प्लांट को हम संरक्षित करें और हम लोग सब मिलकर के इसका प्लांटेशन करें। और भी बहुत सारे जड़ी बूटियां और प्लांट्स हैं हमारे राजस्थान में जो प्रैक्टिकली फिनिश हो गए, खत्म हो गए, जिसमें गूगल एक है, एक जीवंती का प्लांट था जो रेयर हो गया और हमारे जो आयुर्वेद के जो मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं उनकी जगह दूसरे अल्टरनेटिव निकाल के उसमें च्यवनप्राश वगैरह में डाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको
ये ध्यान रखना है कि हमारे पेड़ पौधों के बीज या कटिंग्स जहां से भी अवेलेबल हो उसको हम संरक्षित करें, उनको प्रोपेगेट करें, लगाएं, और आम आदमी से या विद्यार्थियों से स्कूलों में या मंदिरों के आसपास इनको वापस लगाएं। और बहुत सारे चीजें हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, जिसमें पानी एक बहुत बड़ा इश्यू है। चार तरह के पानी होते हैं, एक ग्रीन वाटर है जो बारिश से आता है जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं, दूसरा ब्लू वाटर है जिसको बारिश के पानी को स्टोर करके हम यूज करते हैं, और तीसरा ग्रे वाटर है, वो पानी जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं उसको साफ करने के लिए यूज होता है, और चौथा पानी है जिसको हम वर्चुअल वाटर कहते हैं, जहाँ पे पानी अवेलेबल है या जमीन अवेलेबल है वहाँ ले जाकर के लोग वहाँ खेती करते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में कर रही, चाइना कर रही, हमारे भी लोग कर रहे हैं, और उनके पानी से गेहूं या मीट पैदा करके और वापस अपने देश में ले जा रहे हैं, तो इसको वर्चुअल वाटर कहते हैं। तो हमको अपने पानी के रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैंने पता है कि हमारा कैनाल का पानी आ रहा है उसमें काफी सारे पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग हमको करनी चाहिए, और जो हमारी वाटर बॉडीज है, बहुत सारी वाटर बॉडीज जो उनके चारों तरफ थी उनको नुकसान हो गया, उसको भी हमको वापस तैयार करवाना चाहिए। वाटर बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है दुनिया में, और हर क्रॉप का हर अपन एक्शन लेते हैं उसको हम वाटर फुटप्रिंट कहते हैं, कि आपने जैसे 1 किलो गेहूं पैदा किया या बाजरा पैदा किया तो उसमें 1400-1500-1600 लीटर पानी लगता है, तो हम जो आटा खाते हैं 1 किलो उसके पीछे 1600 लीटर पानी है। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हम वेजिटेरियन है वो तो 1600 लीटर पानी से ही 1 किलो बाजरा या गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन जो मीट खाने वाले हैं, जो नॉन वेज है, जो बहुत बड़ा खतरा है, वो करीब 16,000 लीटर 1 किलो मांस पैदा करने में लगाते हैं, तो 10 गुना पानी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में दुनिया में ये सब जगह बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि अब आपको वेजिटेरियन फूड हैबिट पे जाना चाहिए, नॉन वेज को छोड़ना चाहिए। आपको एक चाइना का एग्जाम्पल देता हूँ। चाइना में करीब 60% वर्टिब्रेट्स जो मीट खड्डी वाले जानवर हैं उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया मीट के लिए। वो टेंडेंसी लग रही है, लोग मीटियर होते जा रहे हैं, तो इस टेंडेंसी को हमको रोकना चाहिए, हमको वेजिटेरियन ही रहना चाहिए, और इसलिए दुनिया भर में हमारी डाइट जो है हिंदुओं की या जैनों की उसका एप्रिसिएशन हो रखा है कि इसका इम्पैक्ट नेचर में नेगेटिव नहीं है। और इसलिए मैं एक तो निवेदन ये करूंगा कि हम वेजिटेरियन ही रहें और दूसरों को वेजिटेरियन बनाएं। एक और इश्यू है जो अभी कहावत है कि सारी धरती प्लास्टिक में लपेट दी गई है, टंस ऑफ प्लास्टिक रिवर्स में और जगह जगह हम फेंक रहे हैं, उसी प्लास्टिक पे एक नया और प्लास्टिक आया, माइक्रो प्लास्टिक और इवन नैनो प्लास्टिक जो हम देख भी नहीं पाते हैं, और हर अंग में जाकर के हार्ट में या मछलियों में सब में जाकर के जबरदस्त नुकसान करता है। इसलिए हमको प्लास्टिक का यूज रोकना चाहिए या मिनिमाइज करना चाहिए। और एक और इश्यू है कि हम खाने पीने में या सब जगह जो वेस्टेज करते हैं खाने की चीजों का या पानी का, उसको रोकना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप कपड़े भी जरूरी नहीं है तो 3 दिन में 1 बार धोइए, और इसलिए जरूरी है कि पानी जो है बहुत रेयर चीज होने वाली है। मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी विश्नोई कम्युनिटी ने जैसे ग्रीन ट्रीज और हमारे जानवर है उसकी संरक्षण के लिए अपनी जान तक दी है, और एक स्टेज ऐसी आने वाली है जिसमें हमको पानी के लिए भी मरने मारने की स्टेज पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि प्लास्टिक का मिनिमम यूज करें और उसको अवॉइड करें। और हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, राजस्थान 800x800 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, अरावली और इंडियन डेजर्ट जो है उसमें बहुत सारे ट्रीज और हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जो एनोगाइसिस धावड़ा जो है पूरे अरावली को, धावड़ा की 6 जातियां पूरे अरावली को कवर की हुई थी, और हमने उनको इग्नोर किया और उसकी जगह बबूल डाल दिया, और इसलिए अरावली जो है प्रैक्टिकली एनोगाइसिस फ्री हो गया, उसको खत्म कर दिया। मंदिर का शिखर में माउंट हर्स जो है उसके ऊपर धावड़ा के बहुत सारे ट्रीज हैं, अरावली में भी कई जगह है, अपने परसराम महादेव में भी है, तो उन ट्रीज को प्रोपेगेट करके उनका संरक्षण हमको करना चाहिए, और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमको फोर्स करना चाहिए कि आप
जो नेटिव प्लांट्स हैं, खेजड़ा, रोल्डा, होग, केर, कुंभटिया, ये सब लगाने चाहिए, ना कि इजरायली बबूल जो बाहर से लाकर के यहाँ डाल दिया सब जगह, उसने एनवायरनमेंट को जबरदस्त नुकसान किया है। तो अपनी जो स्वदेशी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, उन पर हमको ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत 30-40 साल से देख रहा था कि हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में के जो पहले लिटरेचर में आते थे वो सब गायब हो गए, लेकिन मैंने अभी 2-3 साल में विजिट किया तो पता चला कि वो गायब नहीं हुए हैं, कुछ एरियाज में अभी भी खड़े हैं। इसमें एक पेपा है जैसलमेर में, और भी प्लांट्स हमने गए तो किरोली है वो भी हमको मिला। तो हमको इन पेड़ पौधों की वनस्पतियाँ जो हमारे रेयर एंड थ्रेटन्ड है, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनको विद्यार्थियों की मदद से, किसानों की मदद से, गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी मदद से कंजर्व करना चाहिए। इस मामले में मैंने सोचा आप लोगों से निवेदन करूं कि हमारे बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर में जब पानी के केनाल का सोर्स है उसके आसपास हमको 50-50 एकड़ या 100 एकड़ जमीन रख करके या ले करके हमारी जो वनस्पतियाँ हैं उनको वहाँ पे प्रोपेगेट करना चाहिए, और वह आसानी से हो सकती है। मेरा खुद का अनुभव है बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होने की वजह से कि हमारी जीवंती और हमारा भोग और कई सारे जाल और कैर, इनको आप आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जो आगे की प्लानिंग है उसमें ये सोचें, अभी तो ये चल रहा है कि सब हम सुन रहे हैं और बता रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री नहीं कर रहा। आप एक आदमी भी मैंने देखा, वो उनको जो मैंडेट देते हैं उसी में काम करते हैं, फोक की बात करते हैं तो साहब वो कि हमारा मैंडेट में नहीं है। इस तरह से अरावली के जो ट्रीज हैं उसके बारे में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता, वो ही कहते हैं साहब वो ग्रो नहीं करते हैं इसलिए उसकी जगह बबूल लगा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा निवेदन, हमारे खुद की वनस्पतियों का संरक्षण हमको करना चाहिए और वो ही हमको मदद करेगा। आदर आभार आदरणीय प्रोफेसर नारायण सिंह जी शेखावत साहब, आपने जो अपने पश्चिमी राजस्थान में जो वनस्पति की स्थिति अभी वर्तमान में जो फोक का जैसे आपने उदाहरण दिया, कई वनस्पतियां समाप्त होने की स्थिति में है, जो भी आपने विषय की जानकारी दी हम प्रयास करेंगे कि उस दिशा में हम काम करेंगे। मेरा निवेदन आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता आदरणीय गोपाल जी आर्य भाई साहब से कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गोपाल जी भाई साहब। नमस्कार सभी को। जोधपुर प्रांत के कुटुंब प्रबोधन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसको ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा एक लक्ष्य लेकर जो आगामी दिनों में एक कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी पूर्व योजना के लिए हमारी ये जो बैठक है, जो ऑनलाइन वर्तमान में जिसको वर्चुअल बैठक बोल रहे हैं, आभासीय पद्धति के साथ में सब लोग बैठे हैं, उसके लिए सभी आज के इस कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। मुझे एक बात सब लोगों को कहनी है कि जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो देश कभी सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम के बारे में जिसके बारे में बात करते थे, और जिस देश की संस्कृति में वेदों में ये कहा गया हो माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिव्याह के वर्णन आता हो, जहां पर पेड़ पौधे नहीं पर्वतों को नदियों को जानवरों को भगवान मानकर पूजा करने वाले इस देश के अंदर, मैं आपको कुछ तथ्यों के आधार पर 2-3 बातें बताने की कोशिश करूंगा।
दूसरी बात, ये पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व 21वीं सदी में चंद्रमा पर पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा है, और अब तो ये भी सोचा जा रहा है कि मंगल ग्रह पर मानव है क्या, इसकी भी खोज हो गई। वहीं 21वीं सदी का ये मनुष्य आज इस बात के लिए भी प्रयत्न कर रहा है कि पेड़ कितने हैं, इस बात को गिन रहा है, पानी की बूंदें कितनी कितनी बची है ये गिन रहा है आज की तारीख में। और जिस भारत माता का वो मां मान रहा है उसके प्रति उसका क्या व्यवहार है, ये जो देखने का दृष्टिकोण बदल गया है, इसलिए आज इस प्रकार की सेमिनार और इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जो पुराने लोग हैं उनको ध्यान में आएगा कि उन्होंने कभी जिंदगी में क्लाइमेट चेंज नहीं सुना होगा, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग नहीं सुनी होगी, उन्होंने पानी की कमी नहीं सुनी होगी, लेकिन एक तरफ औद्योगिक क्रांति का बिल्कुल बचता है जहां विकास की एक धारा चलती है, वहीं दूसरी ओर विनाश की धारा चलना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात कि जो लाखों वर्षों से अपनी संस्कृति कहलाते हैं, जिसको लाखों वर्षों की संस्कृति बोलते हैं, वो 1700 में, तब तक पर्यावरण की कोई चिंता नहीं थी, तब तक पेड़ पानी और पॉलीथीन का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन आज जिस देश में वंदे मातरम गाया जाता हो और वंदे मातरम में ये बोला जाता हो कि ये मेरी भारत माँ है, ये सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, कौन सी सस्य श्यामलाम और भारत माता की बात करते हैं, इस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। और वर्तमान में क्या पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, संकट हैं, क्या कहीं वो मानवता के लिए बहुत बड़े संकट और चुनौती तो नहीं बन रहे हैं, इस पर थोड़ी सी मैं बात बताकर इसका समाधान क्या है और हमें क्या करना पड़ेगा इसकी ओर आना पड़ेगा। मैं 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग यानी बड़ी रुचिकर, हम सबको दिमाग खुल जाएगा, ऐसी कुछ बातों से शुरुआत करता हूं। एक बच्चे ने पूछा एपीजे अब्दुल कलाम से कि सर मुझे देशभक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं बेटा अगर तुमको देशभक्ति करना तो एक वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष लगाना क्या देशभक्ति है, एक इतना बड़ा वैज्ञानिक समाज शास्त्री इस बात को कहता है, ये विचार करने की आवश्यकता है, क्या पेड़ लगाना देशभक्ति है। दूसरा, एक बड़े बूढ़े 80-85 साल के वृद्ध व्यक्ति थे, दादाजी जिनको गली में सब बोलते थे, गांव की गली में अपने घर के बाहर पानी का बरसात का मौसम आया तो वो पेड़ आम का वृक्ष लगा रहे थे, एक पौधा लगा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे आए और मजाक उड़ाने लगे कि दादाजी क्या कर रहे हैं, देखो कब्र में पैर लटक रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं। तो सबने कहा दादाजी क्या कर रहे हो, तो वो कहने लगे कि बच्चों मैं है ना आम का पेड़ लगा। तो कहा कि एक बात बताओ दादाजी, आपकी अब उम्र कितनी बची है, कब्र में तो आपके पेड़ लटक रहे हैं, 2-4 साल में ये आम खाएगा कौन इस पेड़ के। बच्चों ने मजाक उड़ाई। अब वो जो बड़े दादाजी हैं वो बच्चों को क्या कहते हैं समझ लीजिए, वो बच्चों से कहते हैं कि बेटा मैं जिस आम के पेड़ खा रहा हूं वो मेरे दादाजी ने लगाया, अब ये पेड़ मैं तुम्हारे लिए लगा रहा हूं, बोलो लगाना कि नहीं लगाना तुम्हें आगे वाले आने वाले अपने जीवन में पेड़ आम खाने क्या। बच्चों ने कहा दादाजी आप पेड़ लगाओ, हम जा रहे हैं खेलने के लिए। क्या आज की पीढ़ी का ये दृष्टिकोण पेड़ और पौधों के बारे में बन गया है क्या, ये भी दूसरी बात विचार करना पड़ेगा। और तीसरी बात,
कि जिसको हम भारत माता मानते हैं आज उसकी स्थिति क्या है, और आज के जो वर्तमान परिस्थिति है, कृपया मैं उसके बारे में भी बता दूं कि वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना काल है उसने आज हम सबको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि भाई साहब ऑनलाइन आ जाओ, व्यक्तिगत रूप से मत मिलो। और इसलिए उन्होंने 3 R, आज का जो कोरोना है हमको 3 R हमको सिखा रहा है। 3 R का मतलब पहला यह है कि आप अपनी जिंदगी को अब रीसेट कर लीजिए, रीसेट बटन दबा दो अपनी जिंदगी का। मतलब अब आप एक कमरे में बैठकर नहीं, एक घर में, और घर में ही नहीं तो एक कमरे में अपने 14 दिन निकाल सकते हो, निकालना पड़ेगा तभी जिंदे रह सकते हो। जिंदगी के व्यवहार में जो एक उपभोक्तावादी, मैं मेरे लिए सब कुछ, अभी मैं आपको बताऊंगा ना, एक तथ्य बताऊंगा थोड़े दिन में आपको ध्यान में आएगी, तो हमारे जिंदगी को रीसेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है फिर उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसको पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा कि मेरे को दिन में, एक दिन में कितना पानी उपयोग करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा। और मैं जोधपुर जैसलमेर वालों को तो क्या बताऊं, अपने हमारे जोधपुर प्रांत के बारे में तो पूरे देश के अंदर बताया जाए कि किस प्रकार से उपयोग करके पानी को बचाया जा सकता है पूरे देश के अंदर। और मैं जोधपुर प्रांत वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो एक इतिहास रचने की आगामी योजना बन रही है, पुराना इतिहास भी इसी प्रकार का था, दोनों प्रकार का, पानी से ले लो चाहे पेड़ से ले लो। आप सबको ध्यान में है क्या कि जोधपुर के पास 20-25 किलोमीटर पर, हम तो सब जानते होंगे, एक इतिहास की पेड़ को बचाने की इतनी बड़ी घटना है जो इतिहास में बिल्कुल नहीं हो, आज तक नहीं हुई होगी। वो ये है, खेजड़ली में एक अनपढ़ किसान की लड़की कहेंगे, 30-32-35 साल की बच्ची थी, 3 बच्चियां थी उनके, उस महिला ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा दी, अपने बच्चों की नहीं, गांव के 363 उस अमृता देवी को आज की नई पीढ़ी नहीं जानती है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जोधपुर, जो केवल वहां से 30 किलोमीटर दूरी पर है, जोधपुर के बच्चे भी उसके बारे में, उस इतिहास को नहीं जानते होंगे कि जिस देश के अंदर, मैं तो कहता हूं विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं होगा, तो पेड़ को कटने से बचाने के लिए लोगों ने अपने सर कटवा दिए, और एक दो ने नहीं। अब ये विचार करना पड़ेगा तो उस अमृता देवी को कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त हुई, और किसने ये सिखाया कि पेड़ नहीं कटना चाहिए चाहे सर कट जाए। कहते हैं ना, सर साठे पेड़ बचे तो भी सस्तो जाओ, ये किसने मंत्र दिया होगा आप विचार करिए। और उसके लिए इतना बड़ा बलिदान करने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसा परंपरा वाला जोधपुर वो आज पर्यावरण के बारे में जागरूक होता, क्योंकि पहले भी कितना जागरूक था, आज से 200-250-300 साल पहले की बात है ये। पर लेकिन हम दूसरे पक्ष की भी बात करें कि ये जोधपुर प्रांत वो दूसरा प्रांत है कि जहां पर पानी की बूंद बूंद का कीमत जानता। अब मैं आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए कि अपने देश के अंदर सर्वाधिक बरसात, अधिकतम ये रेनफॉल जिसको बोलते हैं बरसात, चेरापूंजी में होती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर चेरापूंजी स्थान पर, हमने सबने पढ़ा है, जाना है मानते हैं। और आपको जानकारी के लिए, कितना होती है तो होता है 13 से 15 मीटर, कितना, 13 से 15 मीटर प्रति वर्ष, यानी एक साल में 13 से 15 मीटर बरसात होती है। और आपकी जानकारी के लिए, आज वहां पीने का पानी नहीं है, पानी आकर बह जाता है, वहां पीने के पानी के लिए आज भी किल्लत है, परेशानी है। लेकिन अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे कम पानी की बरसात होने वाला जोधपुर में, बाड़मेर में। और मीटिंग जा रही है,
और उस जैसलमेर में जो रेनफॉल है प्रति माह प्रति वर्ष रेनफॉल पता कितना है? गोपाल जी भाई साहब को अनम्यूट करिए। सॉरी क्षमा करिए वो अनम्यूट हो गया था। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस जैसलमेर में सबसे कम दुनिया की रेनफॉल होती है 28 सेंटीमीटर के वर्ष में, वह पीने का पानी है, वहां नहाते हैं, वहां पर एक फसल भी ले लेते हैं। मैं खुद देख कर आया हूँ वहां के पानी की व्यवस्था को किस प्रकार से करते हैं, ये पानी की कीमत जानते हैं। या पीने की कमी नहीं है तो जहां 13 मीटर होती है वहां पीने का पानी नहीं है, जहां 28 सेंटीमीटर होती है वहां पीने का पानी है। क्यों? क्योंकि यहां पर जल का प्रबंधन और संरक्षण है। वहां पर पूरे देश में आपके, अरे शिमला में पीने के पानी की कमी, देहरादून में पीने के पानी की कमी, चेन्नई में पीने के पानी 2000 फीट नीचे चला गया, वहां पर यह बता दिया गया कि अंडरग्राउंड वाटर खत्म, आपको पानी की ट्रेन मंगवानी पड़ेगी। जैसे राजस्थान में कुछ साल पहले भीलवाड़ा में होता था, डेली एक ट्रेन पीने के पानी की भीलवाड़ा में जाती थी, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं के 5-6 साल के प्रयास के बाद, आपकी जानकारी के लिए, उस भीलवाड़ा में जहां 250 फिट पानी नीचे था, आज 12-13 फिट से भी कम रह गया। कुछ कहते हैं कि अभी 5-6 फिट पर ही आ गया। वो पानी कहां से आया? उन्होंने जो बरसात का पानी था उसका वाटर हार्वेस्टिंग, छोटे छोटे प्रयोग। हमको समझना पड़ेगा कि पानी के बारे में देखने का दृष्टि, इसलिए हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा अपनी सब बातों को। और अंतिम बात है कि उसको करते हुए हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और इसलिए कोरोना में हम जब लोग सब घर में बैठे रहते हैं, हमारी जिंदगी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए रीसेट बटन दबाना, रीडिफाइन करना इन सब आवश्यकताओं के लिए, कि मैं एक 10x10 के कमरे में 14 दिन निकाल सकता हूं, कम से कम उपयोग कर मैं अपनी जिंदगी जमा सकता हूं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और इसलिए वर्तमान परिस्थिति में जोधपुर पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और बना है, वहां के खून में है, वो समझ सकते हैं। और तो और, केवल जोधपुर प्रांत जिसको जैसलमेर बाड़मेर अपने इधर से लेकर बीकानेर तक, पूरे देश के अंदर ये मारवाड़ी हर गांव शहर में बैठा हुआ है। तो ये संदेश केवल जोधपुर के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए, विदेश के लिए प्रेरणा का होगा जो हम शुरुआत करने वाले। इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा। 3 बातों के बारे में मैं बताता हूं। पहली बात, जिस पानी की बात कर रहे हैं, उस पानी की एक एक बूंद के लिए हमको तरसना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि पानी की कीमत को हमने जाना नहीं। हमारे पूर्वजों ने जल ही जीवन और जल अमूल्य है ये क्यों कहा? आपकी जानकारी के लिए, जितना रेनफॉल होता है उसका 97% समुद्र में चला जाता है बहकर, 2% ग्लेशियर बर्फ बन जाता है, 1% हमारे काम आता है पूरे, और उस 1% का 70% एग्रीकल्चर में जाता है, 22% फैक्ट्री में जाता है, 6% हमारे नहाने धोने खाने पीने हाउस होल्ड जिसको बोलते हैं उसमें जाता है, और केवल 2% पानी पीने के लिए। मैं कह रहा हूं पीने के लिए तरसना पड़ेगा कि 5000 लीटर यदि बरसात होती है तो केवल 2-1 लीटर पानी हमको पीने के लिए मिलता है। आप सोचिए, आपके घर में आपने कभी, मैं कह रहा हूं रिडिफाइन, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। और इसलिए वो क्या करना है कि एक एक बूंद पानी, हमारे घर में वॉशर से पानी टपकता होगा, एक एक बूंद
हमको उसकी कीमत नहीं पता, वो पता है एक एक बूंद कितना होता है, एक एक बूंद लगातार यदि टपकता है एक साल में 11,000 लीटर पानी हम नाली में बहा देते हैं पीने का पानी। और वो 11,000 लीटर पानी कितने रुपए का होता है, अगर 20 रुपए की एक बोतल पीने की है तो वो 22 लाख रुपए का पानी। अरे जिस देश का इंसान अपने घर में एक एक बूंद के माध्यम से एक साल में 22 लाख रुपए के पानी को बर्बाद कर देता है, वो पानी के कीमत के बारे में क्या बात करेगा? क्या भगवान ने टैक्स लिया है पानी का? भगवान ने पानी का, हवा का और अन्न उपजाने का कोई टैक्स नहीं लिया है हमसे। और इसलिए विचार करना पड़ेगा कि हमको पानी के बारे में कितनी आवश्यकता है। अगर हमारे आधा गिलास पानी, देखिए ये गिलास है, हम अपने मेहमान को एक गिलास, वैसे जोधपुर वाले हैं ये तो गिलास ही नहीं देते, हम मारवाड़ी तो एक लोटा देते हैं कि भाई लोटे से ही सीधा पी लो, ऐसे एक बूंद पानी इधर उधर नहीं जाती। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, इस एक गिलास पानी में से अगर आधा गिलास झूठा छोड़ दिया और इस देश के अंदर इस 30 करोड़ घरों में एक दिन में एक बार भी ये आधा गिलास पीने का पानी जमीन में गया है यानी नाली में गया, 150 करोड़ लीटर पानी इस देश के अंदर, 150 करोड़ पीने का पानी। अब इसको 5,000 से गुना कर देंगे तो 150 × 5,000 यानी 15 करोड़ लीटर पानी हम नाली में बहा देते हैं बरसात का, यानी 15। अब आप सोचिए इतने पानी को पानी में बहा देते हैं। अब इसके अंदर कोई सरकार का कोई टैक्स नहीं है, सरकार की कोई लॉ नहीं है, सरकार कोई एक्ट नहीं बना सकती। क्या हम आधा गिलास पानी बचा सकते हैं क्या? क्या हम एक बाल्टी पानी से नहा सकते हैं क्या? ये विचार कर रीडिफाइन, और रीडिफाइन करके हमको रीस्टार्ट जिंदगी करनी पड़ेगी, यहां से बात है। और इसलिए पानी के बारे में देखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी का संरक्षण भी करना है, पानी का संवर्धन भी करना, वो आ जाएगा जब पानी के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब आता है ये जमीन, ये भारत माँ, जिसको जमीन पर, जब इस देश के अंदर कोई इंसान इस जमीन पर जगने के बाद पैर रखता था तो वो कहता था हे भारत माँ मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूं। लेकिन आज उस भारत माँ को हम जहर दे रहे हैं, हम जहर दे रहे हैं। और जहर देने का मतलब मैं केवल दो बातें बताकर बताता हूं कि हम जहर यानी ये पॉलीथीन, केवल एक चीज ध्यान में रखिए, आपको पता है किसी को विश्व का सबसे ऊंचा कचरे का पहाड़ कहां है? सबसे ऊंचा कचरे का पहाड़ और केवल 35 सालों के अंदर 36 सालों में बना है, वो है दिल्ली का गाजीपुर का जो कचरे का पहाड़ है। हमारे हर शहर में आजकल कचरे के पहाड़, गाजीपुर का जो लैंडफिल है, जिसको लैंडफिल कचरे का पहाड़ बोलते हैं, उसकी ऊंचाई है कुतुब मीनार के बराबर, विश्व का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ है। और वो कुतुब मीनार के बराबर कितने वर्षों में हुई है तो दिल्ली की 1/3 हिस्से का, ऐसे तीन और है वहां। तो वो जो कचरे का पहाड़ है केवल 1984 में चालू हुआ था, 84 में शुरू किया गया और आज 2020 में हमने इतनी जबरदस्त प्रगति कर ली कि विश्व का सबसे ऊंचा कचरे का पहाड़। अब ये कचरा कौन, कोई जानवर, कोई प्रकृति कचरा उत्पन्न करती है? ये इंसान करता है। और मैं इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं कि ये पूरी पर्यावरण जिसको सृष्टि बोलते हैं इसका मतलब क्या है। हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण के बारे में नहीं जानते पर्यावरण किसको कहते हैं। तो पर्यावरण क्या हवा पानी है? तो पर्यावरण में 5 तत्व आते हैं, जल जमीन जंगल जानवर जन, जो हमारे शास्त्र में क्षिति जल पावक गगन समीरा, और इसी से शरीर बना है। जो 5 तत्व हैं जिसको भगवान माना है हमारे यहाँ पर, वैसे भूमि कैसे गगन वैसे नीर ऐसे अग्नि वैसे वायु, इस भगवान की पूजा जब से हमने खत्म कर दी तब से हमारे पे प्रकोप आ गया। और इसलिए ये जो पर्यावरण है जिसमें जल जमीन जंगल जानवर और जन यानी ये इंसान है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि इस पूरी सृष्टि में पूरी प्रकृति में इंसान केवल 0.01% है, 0.01% इंसान है, 99.99% ये पूरी सृष्टि है।
लेकिन जब से ये इंसान इस सृष्टि पर आया है तब से आपकी जानकारी के लिए अब तक 83% जंगल खत्म हो गए, 53.4% जानवर खत्म कर दिए और पानी 2000 फीट नीचे चला गया। कौन ले गया तो विचार करना पड़ेगा। ये 0.01% इंसान, और इसलिए ये 0.01% इंसान जब कोरोना में 3 महीने अंदर बंद हो जाता है, जिसको लॉकडाउन में, गंगा साफ हो जाती है, हवा साफ हो जाती है, जमीन खिल जाती है, कौन करता है? तो ये 0.01% इंसान को ही समझाना संभालना पड़ेगा। इसके अलावा इस धरती को भगवान भी नहीं बचा सकता, और भगवान बचा रहा है तो कोरोना में आकर के भैया मान नहीं तो कृपा अंदर बैठना पड़ेगा। हमको श्वास लेने के लिए भी तरसना पड़ेगा, एक एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया, तो इसलिए हम जमीन को जहर दे रहे हैं, या हम प्रत्येक यहाँ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता, भले हम देशभक्ति की कितनी बातें करें, भगवान की कितनी भी पूजा करें, लेकिन अगर इस भारत माता को रोज मैं अगर जहर दूं, तो आप सोचिए। अब आप कहोगे जहर कैसे दिया जा सकता है, तो आप सोचिए, मैं आपको केवल एक छोटी सी बात बताता हूं। हम इस प्रकार के छोटे छोटे दिन में कई बार, चाहे तेल हो चाहे मसाला हो, कोई भी चीज आज या तो प्लास्टिक की बोतल में आती है, प्लास्टिक की थैली में आती है, ऐसे छोटे छोटे पाउच। और जैसे मैंने इस पाउच को खोला, मैं खोलता हूं तो इसका कोना फाड़ा। अब ये कोना फाड़ने के बाद जो इतना सा ये टुकड़ा है, ये कहां जाएगा? इसको कोई म्यूनिसिपलिटी नहीं उठाएगी, कोई सरकारी एक्ट में कानून में नहीं है कि इसको उठाया जाए। और पता होना चाहिए, ये छोटा एक टुकड़ा प्रतिदिन अपने देश के अंदर 1,00,000 मैट्रिक टन, कितना, 1,00,000 मैट्रिक टन, ये छोटा सा टुकड़ा हमें जमीन पर डालते हैं हम, और ये जमीन पर जाता है तो ये माइक्रो, जैसा हमारे नरपाल सिंह जी ने बताया कि ये माइक्रो प्लास्टिक बनते हैं, यानी इसको धीरे धीरे गलकर ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हो जाते हैं, वो हमारे पानी में आते हैं, पानी के द्वारा हमारे ब्लड में जाते हैं। प्राप्ति वे बता दूं, वैज्ञानिकों के आधार पर ये इस देश के अंदर 2028 से और 30 तक के बीच में 85% लोगों को कैंसर हो जाएगा, क्योंकि हर एक के रक्त के अंदर माइक्रोप्लास्टिक। और एक अभी वैज्ञानिक तथ्य में आया है कि एक महिला के यूट्रस में छोटे बच्चे की जांच की गई थी, वहां पर भी प्लास्टिक के कण मिल गए। अब कहां बचेंगे? कृपया, मेरा सबसे एक वो है कि इस भारत माता को नहीं, इस मानवता को बचाना है। अब आप करोगे ये सब करें क्या, ये तो आते ही है, आप सरकार को कह दो प्रतिबंध लगा दे। सरकार ने तो लगा रखा प्रतिबंध, कानून बने हुए हैं, और अब तक के कानून की 500 पेज की 4 पुस्तकें बन चुकी हैं, लेकिन इस इंसान को अपना कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा रेटिफाइन कि कृपया आप इसके, इसको फाड़ कर आप इससे अलग मत करिए ना, इतना सा तो कर सकते हो भगवान के लिए कि आप इस कागज को, इसके कोने को फाड़िए। दूध का जो थैली है, हमारे यहाँ घरों में दूध की थैली आती है, उसका जब कोना काटा जाता है, 1 महीने में 1,00,000 टन होता है, 1,00,000 टन उस वो कोने, हम दूध की थैली इकट्ठा करके रख देते हैं, इस कोने का क्या बनेगा? इस कोने को काटिए मत प्लीज, इसके अंदर अटका रहने दो। केवल इतना वर कर लेंगे, आपने कई इस धरती माता को नहीं, जानवरों को, हमको खुद को बचा लिया। नंबर 2, ये जो प्लास्टिक है इसकी, या ये छोटा सा टुकड़ा, क्या हम इस बोतल में भर के इको ब्रिक बना सकते हैं? आपने जमीन को बचा ली, तो क्या हम जमीन को बचाने के लिए ये इको ब्रिक अभियान, जो पर्यावरण गतिविधि, अब इसमें पैसा भी खर्च नहीं है, समय भी खर्च नहीं है, घर के बाहर भी नहीं जाना है, अपने घर की पॉलीथीन, घर के बाहर की पॉलीथीन को आप कृपया इस बोतल में बंद कर सकते हैं क्या? इस भूत को, इस जिंद को यदि बोतल में बंद कर दिया तो आपने मानवता को बचा लिया, इतना बड़ा दो। और इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि केवल पेड़, केवल पानी की बात नहीं है, इस भारत माता को बचाना पड़ेगा, नहीं तो अन्य भी हमको प्लास्टिक युक्त, पॉलीथीन युक्त मिलेगा, कैंसर से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इस पॉलीथीन का जो अभियान चला है, केवल अपने घर की पॉलीथीन को जमीन पर ना गिर पे, और ऐसी प्लास्टिक की छोटी बोतलों में भर देंगे,
इको ब्रिक्स बन जाएंगी, जिंदगी को रीडिफाइन करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आज यहाँ पर बैठे हुए जितने भी अपनी इस बैठक में हैं, कृपया घर में आज ही अपने कमरे में, मैंने मेरे कमरे में रखी हुई है ये, अब इतनी सी बोतल को रखने में क्या, और उसको भरने में 15-20 दिन लग जाते हैं। अगर 1 लीटर की बोतल ले ली तो आपने गाय को बचा लिया ये मान लीजिए, क्योंकि गाय खाती है पॉलीथीन, तो सिंगल यूज पॉलीथीन को इस बोतल में भर दीजिए। एक मेरी ये आप लोगों से कि इस भगवान को, इस मानवता को, भगवान की सच्ची पूजा करनी है। देश का सबसे सबसे बड़ा राष्ट्र के लिए हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो इस भारत माता की जय बोलने वाले हम रोज संघ की शाखा में भारत माता की जय बोलते हैं और रोज इस भारत माता को जहर दे रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है नंबर 2 बात। नंबर 3 पेड़ पर आ जाते कि हमको यदि श्वास लेना है तो मैं एक छोटी सी कहानी से मेरी बात शुरू करके और 5-7 मिनट में 10 मिनट में मेरी बात पूरी करूं। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी को हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में गए और कोई मारवाड़ी सेठ होगा पक्का। तो सेठ जी गए वहां पर हॉस्पिटल में, गए जाते ही उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया, ऑक्सीजन लगी, वेंटिलेटर पर चले गए। डॉक्टर ने मेहनत करके 7 दिन में उनको ठीक किया, सब बाहर निकलने, जब डिस्चार्ज हुए, ठीक हो गए, भगवान की मर्जी से बच गए। तो डॉक्टर ने बिल पकड़ाया, बिल देखकर 50,000 का बिल, सेठ जी बिल देखकर रोने लग गए। डॉक्टर ने कहा, अरे महाराज सेठ जी बच गए आप, पैसों की कमी नहीं है, अब रो क्यों रहे हैं? जो सेठ जी ने कहा वो हम सब कार्यकर्ता समझ लें, यहाँ पर बैठे हुआ हर बंधु समझ ले, और अभी कोरोना ने वो ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में हमको बता दिया। तो वो सेठ जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि 50,000 रुपए जा रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने 60 साल जिस दिन से पैदा हुआ हूँ, जिस मिनट जिस क्षण में पैदा हुआ हूँ पहले दिन से मैंने ये श्वास लेनी शुरू की है, 60 साल लगातार 24 घंटे 12 महीने 7 दिन मैं ये श्वास ले रहा हूँ, मैंने तो भगवान को एक पैसे का टैक्स नहीं दिया है, आपने 7 दिन के 50,000 रुपए ले लिए, मैं 60 साल का कैसे चुकाऊंगा उस भगवान को। सेठ जी इसलिए रो रहे थे। कृपया आप और हम सब ध्यान रखें कि जिस दिन हम पैदा होते हैं, अब मैं दूसरी बात भी बता देता हूं, जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन हम 17 पेड़ काटने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब 17 पेड़ क्यों कटते हैं, कैसे कटते हैं, वो भी मैं बता दूं। देखिए ये एक A4 साइज का पेपर है, ये A4 साइज का ये पेपर, एक पेपर 10 लीटर पानी रखता है। और आपकी जानकारी के लिए एक इंसान यदि 60 साल का होता है और पैदा होने से 60 साल तक वो एक टन कागज अपने लिए उपयोग करता है, कहीं ना कहीं, चाहे वो बच्चा है तो डायपर में उपयोग करता होगा या थैले में उपयोग करता होगा या लिखने में, कहीं पर भी 1 टन प्रति व्यक्ति कागज होता है। और वो कागज 1 टन का मतलब होता है 17 पेड़, 40,000 लीटर पानी। तो जिस दिन हम पैदा हो गए उस दिन 17 पेड़ काटने के भागीदार बन गए। हम पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं, क्या हम रिसाइकल पेपर यूज कर सकते हैं क्या, जिंदगी को रीडिफाइन कर लीजिए कृपया, कि मैं रिसाइकल पेपर करके यूज करके क्या 17 पेड़ बचा सकता हूं। अब 17 पेड़ बचाना आवश्यक है या नहीं विचार करना पड़ेगा, इसलिए हमको अपनी जीवन की पद्धति बदलनी पड़ेगी। और इसलिए मेरा ये कहना है कि जिस दिन हम पैदा होते हैं मरने तक क्या 17 पेड़ लगाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो APJ अब्दुल कलाम ने कहा एक वृक्ष लगाने का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक वृक्ष हमारी जिंदगी में 60 साल की जिंदगी में हमको 24 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है एक व्यक्ति, क्या आप सोच सकते हैं 24 करोड़ रुपए की। और अभी ये ऑक्सीजन सिलेंडर के हिसाब से अगर विचार करें और डबल कर लो आप, लेकिन चलो वो ऐसी बात है, लेकिन एक व्यक्ति को 3 सिलेंडर, एक सिलेंडर के 600 रुपए, 600 रुपए को 365 से गुना करो, 60 साल से गुना करो, 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो केवल ऑक्सीजन देता है। लकड़ी गिन लो, खाद गिन लो, और 1-2 नहीं हजारों पक्षियों का बसेरा गिन लो, ऐसे 38 प्रकार के काम एक पेड़ जब से लगता है और जब तक उसको काटते नहीं है, और तो और हम जब मर जाते हैं तो अभी पेड़ जलाने के लिए काम आता है। आपको पता है
अपने देश के अंदर 50 लाख लोग प्रति वर्ष मरते हैं, एक साल में 50 लाख। मैं भी सुनकर दंग रह गया था, ये रेट है। तो आप सोचिए, उसमें हिंदू यदि 40 लाख हुए, 30 लाख हुए, 60 लाख पेड़ करने कटने की जिम्मेदारी तो हमारे पास आ गई ना। क्या हम गाय के गोबर का उपयोग कर सकते हैं क्या? विचार करना पड़ेगा कि हम पेड़ काटने की जिम्मेदारी है, पेड़ लगाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? भगवान। और इसलिए आज अपने देश के अंदर जो 2084-85 में इस देश के अंदर ग्रीन कवर, जो हमारे नरपर सिंह जी ने बताया था, ग्रीन कवर एरिया 74% था, 34% रह गया। कौन ने काटे पेड़? हम 5 करोड़ पेड़ लगाते हैं, 10 करोड़ पेड़ काट देते हैं, क्योंकि हमारी जो उपभोग की वृत्ति है उसमें से ये सब परिणाम आता जा रहा है। और इसलिए आज यहां पर विचार करने की आवश्यकता है। पेड़ नहीं होगा, जो उन्होंने बताया 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है, 422 होने चाहिए अपने हिंदुस्तान में। कनाडा की बात करें, वहां पर 10,000 पेड़ प्रति व्यक्ति है कनाडा में। चीन में 400 और कुछ है, ऐसे अलग अलग देशों के हैं, यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, आपको हमारे कार्यकर्ता बताएंगे। लेकिन 22 पेड़ प्रति व्यक्ति होने, 28 पेड़ और 422 यानी 10 गुने ज्यादा होने चाहिए, उससे भी ज्यादा। विचार करने की आवश्यकता है कि जब पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? पेड़ नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहां? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी नहीं तो ग्रीन हाउस गैसेज बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ग्रीन हाउस गैसेज बनेंगी तो आप सोचिए, ओजोन में छेद नहीं होगा क्या? अगर ओजोन में छेद होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी कि नहीं? क्लाइमेट चेंज होगा कि नहीं? और ये डिजास्टर होगा कि नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, कानून, पेड़ काटने वाले तो हम ही है नंबर वन। इसलिए हमको ये 0.01% इंसान को अपने सोचने का तरीका और व्यवहार बदलना पड़ेगा। और इसलिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और संघ के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम जन जागरण करेंगे, जन सहभाग करेंगे और जन अभियान इसको बना देंगे। और इसलिए जो एक अभियान अपने जोधपुर प्रांत ने लिया है, उसने विचार करना पड़ेगा कि उस जन अभियान में बड़ पीपल उसके पेड़ को क्यों लगाना, ये एक अभियान लेने की आवश्यकता है। लिए क्यों? और इन बड़ और पीपल के पेड़ को स्कंद पुराण में एक बड़े अच्छे से कहा गया, और यहां तक कहा गया, मैं स्कंद पुराण का वो श्लोक इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि केवल हम और आप नहीं कह रहे हैं, अरे हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी उस बात को से लेकर आज तक हर स्तर पर कहा गया और साइंस में भी कहा गया। उसमें स्कंद पुराण में क्या, अस्वस्थमेकम पिचुमंदमेकम न्यायग्रोमेकम देश चिंचना काना। अब ये बताया कि कपिस्त्व वीलवा मलक मलकत्रयच पंचयामुत्वा नरकन्न पश्यते। मतलब उन्होंने कहा ये 5 पेड़ है, इसको लगाने वाले व्यक्ति को कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वर्ग में ही जाएगा। और स्वर्ग का क्या मतलब होता है? उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। दूसरों को शुद्ध ऑक्सीजन देगा तो नरक में कहां जाएगा? स्वर्ग में ही जाएगा। और इसलिए 5 पेड़ कौन से हैं? अस्वस्थ मतलब पीपल, जो 100% ऑक्सीजन 24 घंटे देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। पिचुमंद यानी नीम 80%, न्याय ग्रोध यानी वट वृक्ष 80% कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, चिंचणी इमली 80%, कपिस्त यानी बिल्व वेल आमलक आमला आम, और इनकी लकड़ी भी हमारे हवन के काम आती है, और जिसमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं अभी पढ़ रहा था कि हवन से क्या क्या वैज्ञानिक वो है, तो आपको पता है कि ये आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और बट की लकड़ी क्यों जलाते हैं? इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी मुझे, क्योंकि भगवान ने इसको बताया। तो क्या हम इसको इस दृष्टिकोण से, अगर माना धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक अलग बात है,
लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बड़ के पेड़ का कोई बीज होता है क्या, मुझे बताइए। वो भी बड़ा साइंटिफिक है, बड़ के पेड़ का बीज नहीं होता, वो कौए के द्वारा होता है, वो इसका प्रोसेस है, उसके बारे में मैं नहीं कहता। और इसलिए जो एक इतना बड़ा अभियान लिया गया है और ये कहा गया है हर 500 मीटर पर एक बड़ का या पीपल का पेड़ होना चाहिए। देखिए, हम ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये ऑक्सीजन लंग्स कहीं तो लगाने पड़ेंगे, ये ऑक्सीजन लंग्स है, ऑक्सीजन की मशीन है, आज ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं। जब प्रकृति में ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर वो ऑक्सोमीटर लगाकर ऑक्सीजन नापने की क्यों जरूरत पड़ेगी। और इसलिए इस मानवता को बचाने के लिए हमें ये विचार करना पड़ेगा जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि एक वृक्ष लगाना देशभक्ति है, एक वृक्ष लगाना भगवान की भक्ति है, एक वृक्ष लगाना मतलब अपने पूर्वजों के लिए बहुत बड़ा तर्पण है से लेकर मानवता की बहुत बड़ी सेवा है, हमें विचार करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर ये आज के कार्यक्रम की दृष्टि से 5 जून पर्यावरण दिवस से ये एक अभियान लेने की जो जोधपुर प्रांत ने कि हम 1,00,000 परिवारों में लेंगे, तो इसका इस सब मैंने जो समस्या बताई इसका केवल एक मात्र समाधान है। मैं समाधान बताइए, समस्या इतनी लंबी है, समाधान 5 मिनट का है, समाधान 5 मिनट का। क्या मेरा घर हरित घर बन सकता है? क्या मेरा घर समरस घर बन सकता है? क्या मेरा घर संस्कार युक्त बन सकता है? कुटुंब प्रबोधन यही तो कहता है, कुटुंब प्रबोधन जो हमारे जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है उसमें यही तो बताता है कि हमको जीवन की आवश्यक वस्तुओं को कम से कम उपयोग करना ये बताता है, एक दूसरे का सम्मान करना ये बताता है, अच्छे धर्म शास्त्रों को पढ़ना ये संस्कार जीवन में आना ये बताता है। तो कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण गतिविधि बहुत अलग नहीं है, और इसलिए यहां से शुरू होता है कि अगर इसका समाधान है तो हमारा घर है, और घर में फिर हम हैं। तो क्या जो पर्यावरण गतिविधि ने एक विषय छोड़ा है कि क्या मेरा घर हरित घर संस्कारित घर हो सकता है क्या? अब ये हरित घर और संस्कारित घर होने के लिए क्या है, तो मेरे घर में मैं जल जमीन जंगल जानवर और जन इन सबको मेरे घर में उत्पन्न करता हूं क्या? उसके लिए हमने पर्यावरण गतिविधि के द्वारा एक छोटा सा एक मूल्यांकन पत्रक बनाया है कि अगर ये 5 प्रकार से पानी आप बचा लेंगे जिसमें आपकी जानकारी के लिए न पैसा खर्चा होगा न समय खर्चा, केवल घर में अपने व्यवहार को अपने आचरण को अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। क्या 4 प्रकार से हम अपने कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं क्या? तो जमीन को बचा लिया, जीव को बचाने के लिए हम उसको पानी और दाना डालते हैं क्या? ऊर्जा को बचाने के लिए हम बिजली का कम से कम उपयोग करते हैं क्या? ऐसे हमने 5 बिंदुओं में 15 पॉइंट, और जो जिस घर में ये अधिकाधिक होगा वह घर हरित घर समरस घर संस्कारित घर कहलाएगा, कि जो प्राकृतिक संसाधनों की बचत कर रहा है, पैसे की बचत कर रहा है, स्वास्थ्य को ठीक करने की बात कर रहा है, ऐसा घर हरित घर संस्कारित घर हो गई। और इसलिए हमको ये प्रयास करना होगा कि हम 5 जून से क्या हमारे घर को हम हरित घर संस्कारित घर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं क्या? संस्कारित क्या मतलब है कि हमारे घर में यदि पेड़ पौधे हैं, अरे हमको भी रोज पानी चाहिए, क्या पानी पिलाएंगे? क्या तुलसी माता के सामने कोई दीपक रखेंगे? ये संस्कार है, संस्कार नहीं है, वो ऑक्सीजन हमारे को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कुटुंब प्रबोधन पर्यावरण गतिविधि हर व्यक्ति का काम है, और इसलिए हमको शुरुआत करना पड़ेगा पर्सनल, मैं और मेरे घर में मैं क्या कर सकता हूँ, कृपया ये व्यक्ति यानी हम सबको इसके लिए बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए हमारे आचरण को बदलना पड़ेगा। आचरण को बदलने के लिए सवेरे उठते ही भारत माता से क्षमा मांगकर, इस धरती माता से क्षमा मांगकर पेस्ट करने जाते हैं, उस समय भी एक एक बूंद को गिनना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी कुछ बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। तो ये जो बट वृक्ष वाला और पीपल वाला जो एक बड़ा लक्ष्य लिया है, और हमारे प्रांत प्रचारक जी हमारे वहां के कार्यकर्ताओं ने इसको बैठकर किया,
100,000 घरों में हम जाएंगे। अब कहेंगे साहब घर में लगाएंगे क्या, बड़ा और पीपल, तो घरों में नहीं लगाना। अरे घर में अभी बरसात के मौके पर एक गमले में हम लगा सकते हैं, और उस गमले में जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो कहीं दूसरी जगह उसको स्थापित कर दीजिए, और स्थापित बाकायदा पूजा पाठ अच्छे से, क्योंकि पेड़ नहीं है वो, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी 200 साल तक के लिए, कई पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन देने वाला एक हम प्लांट लगा रहे हैं, एक वृक्ष लगा रहे हैं, एक मशीन लगा रहे हैं। आपको कितना बड़ा वो मिलेगा कि आपने हजारों लोगों के जीवन को ठीक कर दिया, करोड़ों पक्षियों को बचा लिया केवल आपका एक पेड़। और इसलिए केवल इसको बड़ा और पीपल हम ना माने, हम मानवता के लिए, भगवान के लिए, धार्मिक दृष्टि से देखें तो उसके लिए, अरे भाई अपना नरक बचाने के लिए ही कर लो, इसी डर से कर लो कि मैं नरक की जगह स्वर्ग में चला जाऊंगा, इसके लिए ये बड़ा और पीपल लगा लीजिए। तो पहले अपने घर में लगाओ, घर में बड़ा करो, बड़ा करने के बाद जब ठीक हो जाता है, मतलब सरवाइव करने लायक हो जाता है, तो कहीं अपने उपयुक्त स्थान पर लगाकर, और लगाना भी जरा फंक्शन के साथ, ऐसा नहीं है मैंने अकेले लगा दिया, समाज को उसमें एकत्र करना चाहिए, वो सामाजिक सहभाग बनना चाहिए। और हमारी माताएं बहनें तो रोज आजकल पूजा करने जाती है। मैं अभी कोरोना में जब था, मेरे को कोरोना हो गया, मैं एक पार्क में जाता था, वहां एक पीपल का, अब पीपल की अब लोगों को पता चली जब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने बंद हो गए, वो वहां ज्यादा आने लग गई, और वहां दीपक जलाती हैं और उसको धागा वागा बांधती हैं पता नहीं। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये मानवता के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। कृपया आप इतना बड़ा जो लक्ष्य लिया है, मुझे लगता है जोधपुर से लिया गया ये अभियान पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में पहुंचेगा, इसलिए इसको मानवता के लिए मानिए, भगवान के लिए मानिए, राष्ट्र के लिए मानिए, चाहे खुद के लिए मानिए। हम ऐसे अभियान में सब यहाँ पर जो कार्यकर्ता और बंधु भगिनी माताएं बहनें, उनका सबसे ज्यादा इसमें योगदान है, वो सब इसको लेंगे, इतना मेरा सबसे निवेदन है। धन्यवाद, कुछ ज्यादा बोल गया होगा, ज्यादा समय लिया, उसके लिए क्षमा करेंगे। नमस्कार। पर्यावरण विषय ऐसा है कि जहां से पकड़ ले वहीं पर दुखती नस है, इसलिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय गोपाल जी, मेरा आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब से आप पधारे और अपना बोलते हैं। योगेंद्र जी भाई साहब सबको नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के और बहुत विस्तार से चर्चा आदरणीय गोपाल जी भाई साहब ने हम सबके सामने रखी है, और इसलिए उन सब बातों को बजाय दौरान करने के, और 5 जून का हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, और उस कार्यक्रम की तैयारी के क्रम में ही और आज की हमारी और ये वेबिनार का आयोजन किया गया। योगेंद्र जी म्यूट हो गए सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, वो म्यूट पर हैं। तो जन्मदिन के दिन एक पेड़ लगावे तो उससे हम जोड़ करके भी, और एक तो आने वाले 5 जून को और प्रत्येक परिवार में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, चाहे वो पेड़ का विषय हो, चाहे प्लास्टिक का विषय हो, चाहे जल का विषय हो, उसको लेकर के जिन छोटी छोटी बातों का भी आग्रह है उसको हम सब संकल्प के रूप में करें, और प्रत्येक परिवार उस दिन एक पेड़ लगाए, वृक्षारोपण करें, और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। अपने परिवार में हो, हमारे रिश्तेदार नातेदार परिचित जितने मिलने वाले हैं उन सब को भी, और हम इसका आग्रह करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। इतना ही मेरा आप सबसे निवेदन, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं नरेश जी चराया से निवेदन करूंगा कि वो कल्याण मंत्र के लिए आए। नरेश जी चराया, कल्याण मंत्र।
अंतिम आधी पंक्ति साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को नमस्कार। नमस्कार 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 भाई, नमस्कार 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 राम राम नमस्कार राम 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 नमस्कार शुभकामनाएं हो एडवांस में सर साहब। नमस्कार नमस्कार टीम को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार 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 भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार 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 जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब।